स्वागत है दोस्तों आज का एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ओम, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा टाइल्स बेस्ट है, GVT या फिर डबल चार्ज। किस टाइल्स को हमें कहां लगाना चाहिए, GVT को कहां लगाना चाहिए और फिर डबल चार्ज को कहां लगाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में पूरी तरह बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले अगर हम डिजिटल टाइल्स की बात करें, जिसको हम GVT बोल रहे हैं, उसे बाज़ार में डिजिटल टाइल्स भी बोला जाता है। तो अगर डिजिटल टाइल्स की बात करें तो डिजिटल टाइल्स में आपको तरह तरह का पैटर्न, डिजाइन, कलर, आपके मनचाहा जैसा चाहिए उस तरह का पैटर्न डिजाइन अवेलेबल होता है, उस तरह का पैटर्न डिजाइन आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि GVT टाइल्स की जो ऊपरी लेयर होती है वो बहुत पतला होता है, तकरीबन एक पेपर जितना मोटा होता है, जिसमें प्रिंट और डिजाइंस का बना होता है वो काफ़ी पतला होता है। अब रहा डबल चार्ज की बात करें, तो डबल चार्ज ऐसे भी आप नाम सुनकर भी डबल चार्ज लग रहा है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि डबल चार्ज का मतलब क्या हो रहा है। तो इसकी जो ऊपरी परत हो रहा है, इसकी ऊपरी परत तकरीबन 3 से 4 mm मोटा होता है, यानी लगभग लगभग आधा होता है, आधा से थोड़ा कम होता है, लेकिन आधा कि लगभग इसकी जो ऊपरी परत होती है वो पूरा पेंटिंग वाला जो परत होता है, पॉलिशिंग वाला, वो आधा के लगभग होता है, 3 से 4 mm तक होता है। तो ये रहा इसमें, लेकिन इसमें क्या है कि आपको तरह तरह का डिजाइन पैटर्न नहीं मिलेगा, कुछ सिमिलर डिजाइन और पैटर्न अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आप GVT की बात करें तो आपको कलरफुल, मनचाहा डिजाइन, पैटर्न सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन डबल चार्ज में वैसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल डिजाइन और पैटर्न मिलेगा। अब रही बात कि डिजिटल को कहाँ लगाएं और GVT को कहाँ लगाएं। दोस्तों अगर आप पर्सनल यूज के लिए अपना घर में लगाना चाहते हैं, अपना रूम में लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप GVT को लगा सकते हैं। लेकिन हैवी ट्रैफिक वाले एरिया जैसे मॉल, सिनेमा घर, शॉप, इन सभी जगह, होटल्स, इन सभी जगहों पर अगर आप GVT को लगाएंगे तो उसका लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी ऊपरी परत काफ़ी पतला होता है और उसमें स्क्रैच वगैरह जल्दी आने का चांसेस होता है, और एक बार स्क्रैच वगैरह उसमें आ जाने से वह स्वतः नहीं मिटता है और उसका लाइट धीरे धीरे कुछ समय के बाद जाना शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं अगर डबल चार्ज की बात करूं तो डबल चार्ज आप किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉल, सिनेमा घर, हैवी ट्रैफिक वाला एरिया या फिर पर्सनल यूज में कहीं भी लगा सकते हैं, या फिर रेंटर अगर अपना मकान को रेंट पे देते हैं तो वहाँ भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें स्क्रैच भी आता है तो धीरे धीरे वो स्क्रैच मिट जाएगा, क्योंकि जब लोग उसमें आवाज़ ही करेगा, धीरे धीरे ऊपरी परत जो घिसता है उसका, तो वो परत से जो भी स्क्रैच होता है मिट जाता है, लेकिन GVT में नहीं मिटेगा, वो काफ़ी पतला होता है और डबल चार्ज में काफ़ी मोटा होता है। आपको इस वीडियो से पूरा क्लियर में समझ में आ गया होगा कि GVT कहाँ लगाना चाहिए और डबल चार्ज कहाँ लगाना चाहिए। GVT अगर आप पर्सनल यूज करते हैं तो आप वहाँ लगाइए, और अगर डबल चार्ज लगाना चाहते हैं तो आप डबल चार्ज को कहीं भी लगा दीजिए, पर्सनल यूज हो या फिर हैवी ट्रैफिक वाला एरिया हो, आप कहीं भी लगा दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप मुझे बोलिएगा कि मेरा बेस्ट चॉइस क्या है, तो दोस्तों बेस्ट चॉइस डबल चार्ज होता है, क्योंकि इसका लाइफ सर्कल भी थोड़ा ज़्यादा होता है और GVT का थोड़ा कम होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि GVT में जो स्क्रैच वगैरह आता है काफ़ी समय के बाद, थोड़ा समय के बाद उसका लाइट भी जाना शुरू हो जाता है, लेकिन डबल चार्ज में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप अगर आपका पसंद है कलरफुल डिजाइन पैटर्न तो आप GVT लगाइए, GVT का लाइफ सर्कल भी अच्छा है लेकिन वो पर्सनल यूज में अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो में आपको पूरा क्लियर में जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।